बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी बनकर उभरी है, जिसका श्रेय आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को दिया जा रहा है। आरजेडी ने अकेले अपने दम पर 75 सीटें हासिल की हैं। वहीं दिवाली के मौके पर तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर लोगों को शुभकामनाएं दी, लेकिन शुभकामनाओं के इस ट्वीट में भी तेजस्वी ने जबरदस्त संदेश दिया। अपने शुभकामना संदेश में तेजस्वी यादव ने कहा है कि हम अशिक्षा, गरीबी, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और अफसरशाही के साथ ही दवाई, पढ़ाई, कमाई, सिंचाई और सुनवाई में व्याप्त घनघोर अंधेरे को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। तेजस्वी ने अपने शुभकामना संदेश के अंत में जय हिंद, जय बिहार लिखा। गौरतलब है कि तेजस्वी ने अपने ट्वीट में जिन मुद्दों का जिक्र किया है, उसे विधानसभा चुनाव में भी पुरजोर तरीके से उठाया था। चुनाव नतीजों पर इसका प्रभाव भी नजर आया था। दिवाली से महज चंद रोज पहले 10 नवंबर को आए चुनाव नतीजों में आरजेडी अकेले दम पर 75 सीटें जीतकर सूबे की सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी थी। हालांकि आरजेडी के सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरने के बावजूद उसके नेतृत्व वाला महागठबंधन 110 सीटें ही जीत सका और बहुमत के लिए जरूरी 122 सीटों के जादुई आंकड़े से 12 सीट पीछे रह गया। सत्ताधारी एनडीए दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी भारतीय जनता पार्टी के प्रदर्शन के सहारे 125 सीटें पाकर पूर्ण बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया था। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने दिवाली के शुभकामना संदेश के ट्वीट में भी मुद्दों की चर्चा कर ये साफ कर दिया है कि वे इन मुद्दों को लेकर आगे भी सरकार को घेरते रहेंगे। यहाँ तक कि तेजस्वी ने एनडीए पर चुनावी नतीजों में धांधली का आरोप लगाते हुए दोबारा चुनाव करवाने की मांग की थी। हालांकि चुनाव आयोग ने तेजस्वी की इस मांग को ठुकरा दिया और दोबारा चुनाव करवाने से इनकार कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, SPN9 न्यूज। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल SPN9 न्यूज को भी जरूर सब्सक्राइब करें।